with another video to Indian Mom's World. Today I'm discussing about timetable, which is for moms, busy moms, and for students, those who are not getting time from their busy life routine, from their jobs or from their family. So whatever exam they are preparing for, I'm here to tell you about how to manage your time, how to manage your timetable every day so you can get time for their study. So let's get started with my routine first, then you can relate with your time routine. So I will tell you about my routine first, then I'll show you for mothers, then I will discuss about students. Let's get started with my routine first. Welcome back. This is my routine. अब बाद में मदर्स और स्टूडेंट्स का देखेंगे. तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माय रूटीन. ओके, सी सबकी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं. बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड्स ऑफिस जाते हैं, सबके टाइमिंग, सबके रूटीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं. सो ये जो मैंने अपना रूटीन बनाया है, ये मेरे प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग है. अभी मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता, मेरे हस्बैंड का टाइमिंग जो ऑफिस का है वो डिफरेंट है. So I have made this according to my priorities. Okay. So आप थोड़ा बहुत इससे रिलेट कर पाओ तो इट्स वेरी नाइस. अदरवाइज आप थोड़ा थोड़ा इसमें से कुछ भी आइडिया ले सकते हो तो इट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. आइडिया से मुझे बहुत हेल्प मिली है अपने प्रिपरेशन में. सो मुझे लगता है आपको भी एक बार इसको अडॉप्ट करना चाहिए अपने डेली रूटीन में, सो आपको भी इसका फायदा मिल सके. सो अभी हम देखते हैं कि मेरा रूटीन क्या है, मैं कैसे इसको मैनेज करती हूँ डेली, कैसे अपनी स्टडी मैनेज करती हूँ, कैसे टाइम निकालती हूँ अपने फैमिली के साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर मैं 5 बजे उठती हूँ. मैं 5 से 9 मॉर्निंग स्टडी करती हूँ. मैं यहाँ पे मॉर्निंग स्टडी करती हूँ. फिर मैं 9 बजे से 11 बजे तक मैं कुकिंग और हाउस होल्ड चोर्स करती हूँ. मतलब जो भी मेरे घर के काम होते हैं, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, क्लीनिंग करना, कुछ भी मैं 9 से 11 करती हूँ. 2 घंटे में इतनी जल्दी एकदम एज अ मशीन बन जाती हूँ. इतना फटाफट मैं अपने काम कंप्लीट करती हूँ बिकॉज मुझे और टाइम चाहिए होता है पढ़ने के लिए. तो मैं 9 से 11 अपने सारे काम निपटा देती हूँ. मैं 11 से 1 मैं फिर से अपनी मॉर्निंग स्टडी कंटिन्यू करती हूँ. इस टाइम में क्या होता है, मेरा बच्चा जगा हुआ होता है, मेरा बच्चा शैतानी करता होता है, इस टाइम मेरा बच्चा एक्टिव होता है. इस वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ रिवीजन का मटेरियल पढ़ती हूँ. अगर मैं यहाँ पे स्टडी नहीं कर रही होती तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा यूट्यूब का काम कर लेती हूँ. अगर यूट्यूब का काम नहीं होता है तो मैं अपनी रिवीजन ही करती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, इस टाइम पे डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा होता है. ओके, उसके बाद 1 से 3 मैं यहाँ पे लंच प्रिपेयर करती हूँ. लंच अपने बच्चे को खिलाती हूँ. लंच प्रिपेयर करने के बाद हम लोग खाते हैं, उसके बाद हम लोग रेस्ट करते हैं 2 से 3 बिकॉज वो जो मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी, बिकॉज मैं मॉर्निंग से लेकर 2 बजे तक मैं इतनी ज्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, इतना ज्यादा हैक्ट्रिक डे हो जाता है मॉर्निंग से. इसलिए मैं यहाँ पे सोचती हूँ यहाँ पे मैं 2 से 3 थोड़ा रेस्ट ले लूँ. तो यहाँ पे मैं लंच और रेस्ट का टाइम रखा हुआ है. और आपको जो मदर्स होंगी उनके लिए तो बहुत स्पेस की बहुत जरूरत है. थोड़ा सा आप नैप लीजिए, स्मॉल नैप लीजिए, उससे आप जो आगे वाला जो आने वाला दिन है, जो आगे वाला टाइम है, वो आपका बहुत अच्छा एक्टिव निकलेगा. सो आई वुड सजेस्ट आपको बीच में थोड़ा सा टाइम रेस्ट करने के लिए जरूर निकालना चाहिए. सो उसके बाद मैं 3 बजे से 6 बजे तक इवनिंग स्टडी करती हूँ. इसमें मेरा बच्चे को मैं सुला देती हूँ, मैं अपने बेटे को सुला देती हूँ, उसमें मैं स्टडी करती हूँ. यहाँ पे मैं हार्ड स्टडी करती हूँ. ऐसे ही जब मेरा बच्चा मॉर्निंग में सोया हुआ होता है तो भी मैं बहुत हार्ड स्टडी करती हूँ. यहाँ पे जो भी बहुत मेंटल कॉन्सेप्ट, मेंटल बहुत ही ज्यादा, जहाँ पे मेंटल कैपेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग को ध्यान लगा के पढ़ना होता है, यहाँ पे मैं मॉर्निंग और इवनिंग में मैं यहाँ पढ़ती हूँ. ओके, अंडरस्टूड. उसके बाद मैं छह बजे तक पढ़ती हूँ. उसके बाद मैं 6 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे मैं इवनिंग स्नैक्स लेती हूँ अपने बच्चे के साथ, उसको देती हूँ. उसको उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है मुझे, उसके लिए मैं यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स बनाती हूँ. उसके बाद मैं 7 से 9 डिनर प्रिपेयर करती हूँ. डिनर करते हैं हम लोग. उसके बाद हम लोग 9 बजे से लेकर 11 बजे तक
उसके बाद मैं 9 से लेकर 11 बजे तक मैं अपनी इवनिंग वाली स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। इस टाइम ज्यादातर ये होता ये है कि मैं थक जाती हूँ, तो मैं जो इवनिंग स्टडी जो मैंने यहाँ पे बहुत जिस इतना पार्ट मैंने यहाँ पे कर लिया होता है, जो रिविजन जो बचा हुआ होता है वो मैं यहाँ पे करती हूँ। आपको समझ में कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे प्लान किया हुआ है कि फॉर स्पेशली मदर्स, जब आपका बच्चा सो रहा होता है, जब आपके फैमिली मेंबर्स सो रहे होते हैं, तब आपको उठ के स्पेशली बहुत हार्ड स्टडी करनी होती है, जो आपको बहुत ध्यान लगा के पढ़ना होता है, जो भी याद करना होता है वो आप जब आपके फैमिली मेंबर, जब आपका बच्चा सो रहा होता है, तब आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। और जब आपका बच्चा एक्टिव है, जब डिस्टर्बेंस टाइम है, तब आप उसमें रिविजन कर सकते हैं। ये जो प्लान है इसकी वजह से मुझे अपनी स्टडी में, अपने प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सीरियसली आई वुड सजेस्ट दिस प्लान फॉर यू ऑल मदर्स, दोज हु आर बिजी, दोज हु आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर देयर स्टडीज, ट्रस्ट मी प्लीज अडॉप्ट दिस प्लान। सी अपन सबकी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं। मेरा बच्चा अभी स्कूल नहीं जाता, अभी मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस टाइम डिफरेंट है, आपकी भी प्रायोरिटीज बहुत अलग होती होंगी कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके हस्बैंड का टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। बट इस प्लान से आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिला होगा कि आपको कैसे कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। सी मैं इस आइडिया से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इस आइडिया से आपको 5-5 मिनट्स की वैल्यू पता पड़ेगी, 1-1 आवर की वैल्यू पता पड़ेगी कि हमने 1 आवर कहाँ वेस्ट किया, हमने अपना 1 आवर कहाँ यूटिलाइज किया है। जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे 1 से 2, अगर मैं प्लान ना बनाऊँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने 1 से 2 क्या किया, कि मुझे 2 से 3 क्या करना है। अगर ये अपने पास प्लान ये फिक्स रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, अगर अपने पास ये प्लान फिक्स रहेगा, अगर अपन को याद हो गया, तो अपना ट्रस्ट मी अपना 1 भी घंटा वेस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट मी 1 भी घंटा आपका वेस्ट नहीं होगा। बट या आप थोड़े से थक जरूर जाओगे बिकॉज फैमिली, बच्चा और पढ़ाई को संभालना इट्स नॉट इजी टास्क। सो आई वुड सजेस्ट आप प्लीज इसको अडॉप्ट कीजिए, इससे थोड़ा आइडिया लेके अपने लिए, फॉर मदर्स जोज हुआ प्रिपेयरिंग, प्लीज आप अपने लिए यहाँ पे बनाइए। जैसे कि फॉर मदर्स मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी आपको, जहां जहां मेरा स्टडी है वहां वहां मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपका सेल ही रहेगा, ओके। जहां जहां मेरा वर्क टाइम है आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पूरा सेम ही रहेगा, ओके। नाउ फॉर स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट प्लीज टेक स्टडी टाइम फ्रॉम दिस, वो तो आपको स्टडी करनी ही है, जहां जहां मैंने स्टडी का रूटीन बनाया है वहां वहां आपको सेम ही रखना है, ओके। बट एडिशनल आपको क्या करना है, जहां जहां मैंने अपना वर्किंग आवर रखा हुआ है, जहां जहां मैंने अपना वर्किंग आवर रखा हुआ है, आपको वहां पे अपना ऐड कर लेना है। जहां मैंने वर्किंग आवर्स रखे हैं उसे आपको अपना स्टडी आवर बनाना है, अंडरस्टूड? क्योंकि मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जो हुआ वर्किंग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो आप, या फिर आपकी जॉब है, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स दोज हुआ फ्री ऑल डे एट होम, ओके। सो उनके पास पूरा दिन फ्री होता है, एक्सेप्शनल उनके पर्सनल आर्ट्स, अपने पर्सनल काम को छोड़ के उनके पास जो भी काम होता है वो सिर्फ पढ़ाई होती है, तो सेम एज आपको फुल टाइम स्टडी वाला रखना। अंडरस्टूड गाइज? प्लीज आई वुड सजेस्ट एक बार, ओनली 1 टाइम आप ये अडॉप्ट करके देखिए, इट्स चेंज माई लाइफ सीरियसली। सो आई होप आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया होगा, ओके। मेरा टाइम टेबल पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसको अडॉप्ट करें। अगर आपको इस ऐसे के रिलेटेड वीडियोज चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। किसी भी स्टडी मटेरियल या स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स, अगर आपको किसी भी बारे में आइडिया चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विच इज इंडियन मॉम्स वर्ल्ड. सो आई होप यू लाइक माय वीडियो, और मैं ऐसे ही वीडियो आगे लाती रहूंगी. प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ मी नेक्स्ट वीडियो तक. टिल देन टेक केयर, बाय. स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे गॉर्जियस, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज सिस्टर. बाय गाइस, टेक केयर.